अब बात करते हैं पहली खबर की। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करने वाले हैं, पर इससे पहले ही भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है और मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सिंधिया के आने का विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है तो फिर किसके निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का विरोध देख कांग्रेसी विधायक मुन्ना लाल गोयल कटोरा ताल सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शहर का विकास नहीं होने दे रही है। बता दें कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करने वाले हैं, पर इससे पहले ही भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यक्रम में सिंधिया के आने का विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज की, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बता दें कार्यक्रम में सिंधिया के आने का विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दी, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है तो फिर किसके निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का विरोध देख कांग्रेसी विधायक मुन्ना लाल गोयल कटोरा ताल सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शहर का विकास नहीं होने दे रही। आप देख सकते हैं पत्रिका की टीवी स्क्रीन पर, जहां साफ तौर पर देखा जा रहा है भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने। विरोध है जहां पर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करने जाने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। विरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस को आकर हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस ने लाठी भी भांजी। बावजूद इसके भाजपा कार्यकर्ता नहीं माने। आपको बता दें इस पूरी खबर पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। वहीं कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा शहर का विकास नहीं होने दे रही, जिसके चलते इस तरह का हंगामा खड़ा कर रही है। बता दें 10 साल पहले इसी अस्पताल का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, बावजूद इसके अस्पताल का निर्माण नहीं हो सका। और अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचने वाले हैं, जहां पर 1000 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे वो। लेकिन इससे पहले ही भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है और मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सिंधिया के आने का विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है तो फिर किसके निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का विरोध देख कांग्रेसी विधायक मुन्ना लाल गोयल कटोरा ताल सड़क पर धरने पर भी बैठ गए।